हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेबी एंड मॉम लाइफ स्टाइल में। फ्रेंड्स, आपका बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा फूला रहता है, यानी कि जब आप अपने बच्चे के पेट में हाथ लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोता है। बच्चे को अपच रहती है, यानी कि जब भी बच्चा कुछ खाता है तो वो तुरंत वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है, या फिर पॉटी कर देता है, या फिर नॉर्मली आप जब भी बच्चे के पेट में हाथ लगाते हैं तो वो काफ़ी तेज़ रोता है, या फिर वो सारा दिन ही रोता रहता है। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि बच्चे को पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। ऐसे में कभी कभी बच्चे अपने पैर भी बहुत मारते हैं, तो इससे भी हमें समझ जाना चाहिए कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। और जब बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम हो तो बच्चे को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन भी बहुत सारे केमिकल से बनी हुई होती हैं और वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो अब हमें करना क्या है? कुछ नहीं, बहुत ही छोटा सा घरेलू इलाज करना है और इस उपाय से आपके बच्चे के पेट की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। जैसे कि आपके बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, या फिर अपच की प्रॉब्लम है, पेट फूला हुआ है, या फिर उसको अदर कोई प्रॉब्लम हो रही है पेट से रिलेटेड, कब्ज़ वगैरह बन जाता है ना, एसिडिटी, तो वो सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ग्लास पानी लेना है। पानी को अच्छी तरीके से उबलने दीजिए। जब वो अच्छे से उबल जाए तब आपको लेनी है 5 ग्राम सौंफ। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत थोड़ी सी ही सौंफ लेनी है। आप छोटा टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। और बस उतनी सौंफ को आप क्या करना है, थोड़ा सा कूट लीजिए अच्छे से और बस उसमें मिक्स कर दीजिए और गैस को ऑफ कर दीजिए। और बस वही गर्म पानी रखना है, उसको उबालना नहीं है अच्छे से, और प्लेट ढक करके उसको ठंडा होने दीजिए। अब आपको इसे अपने बच्चे को कैसे देना है, आप फ्रेंड्स ये आप अपने बच्चे को कैसे दें ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच सौंफ का पानी लेना है और 2 चम्मच दूध के साथ में मिक्स करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल मेडिसिन के रूप में ही देना है, ना ज़्यादा देना है ना ही कम देना है। बस 1 चम्मच लीजिए वो और 2 चम्मच दूध लीजिए, मिक्स कर दीजिए और बच्चे को पिला दीजिए। दिन में 3 बार पिलाना है जैसे कि मेडिसिन देते हैं। बस इतना सा आपको काम करना है और आपके बच्चे की पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, कब्ज बनना हो, पेट का फूलना हो, अपच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, अदर कोई प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम्स का निवारण हो जाएगा, यानी कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा आप अपने बच्चे की डेली मालिश करिए और उसको साइकिल वाली जो एक्सरसाइज होती है वो भी आप डेली करवाइए। और 1 से 2 महीने का अगर आपका बच्चा हो गया है तो 1 से 2 मिनट ही उसको टमी टाइम ज़रूर दीजिए, ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।